वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज जी असी कोट ईसे खां दे सिटी चॉइस होटल में मीटिंग कर रहे हैं। मेरे नाल कोट ईसे खां दे जथेदार मौजूद ने, धर्मकोट वाले ने। साडा जिहड़ा मुख मकसद है कि 15 सितंबर नूं वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे है, लोकतंत्र दिवस है दुनिया का, जिसनों असी अमृतसर दे विच वड्डा इकट्ठ करके दरबार साहब के बाहर घंटाघर चौंक दे विच सरदार सिमरनजीत सिंह मान की अगवाई विच रोस वजो मना रहे हैं। क्योंकि भारत विच रहिंदिआं जिहड़ियां सिखां दीआं हक हकूक ने, सिखां दे लोकतंत्री टीचे ने, साडी श्रोमणी कमेटी है लोकतंत्री तरीके दे नाल 1925 तों चुनी जा रही है। 100 साल के करीब समा बीत गया, पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने 100 साल के भी चोणा होनिया चाहिए सी, पर अज तक 8 चोणा हुई हैं। कदे 15 साल का गैप, कदे 12 साल का गैप, हुण भी 2011 के हुई सी। 11 साल हो गए श्रोमणी कमेटी की चोण नहीं हुई। उस दे बराबर जी 1952 के हिंद हुकूमत की जी पार्लीमेंट वो होंद में आती है, उसके 17 इलैक्शन हो चुके हैं। पर श्रोमणी कमेटी जी सिख कौम हैंडल करती है, सिख कौम के बहुत सारे वसीले श्रोमणी कमेटी के स्थान तो, श्रोमणी कमेटी के ऑर्डर तो पैदा होंगे ने, उन्होंने रोलिया जा रहा है। जी अज उत्थे बादल एंड कंपनी बादल दल श्रोमणी कमेटी के काबज है, पिछले 2 विधानसभा के इलैक्शन हार चुके हैं। अज उन्होंने पार्टी का पंजाब विच बिल्कुल आधार खत्म हो चुके हैं, वो अज भी उत्थे काबज ने। जिहड़ा बहुत जरूरी है कि उन्होंने उत्थों श्रोमणी कमेटी दी चोणां करवा के उत्थे गुरमुख ते गुरसिख जिहड़े बंदे चढ़दी कला वाले ने, जिहड़े गुरु नानक साहब के किरत करन, नाम जपन के वंड सकन के सिधांत नूं कौम दे अगे रख सकन, उन्हां नूं सेवा देनी बहुत जरूरी है। सो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर इस वड्डे मकसद की लड़ाई सरदार सिमरनजीत सिंह मान की अगवाई विच लड़ रहा है। क्योंकि जे तुसी पंजाब दे विच वसदी सिख कौम वल निगाह मारो तो हरेक एंगल ते, चाहे वह धार्मिक है, चाहे वह राजनीतिक है, चाहे वह समाजिक है, उहदे विच बहुत वड्डी गिरावट आई हुई है। साडे नौजवान जिहड़े बेरोजगार फिर रहे ने, नौजवान नशे दे आदि हो रहे ने, नौजवान बाहरले मुल्कां नूं भज रहे ने, इस तरह साडे धर्म दे विच घुसपैठ हो रही है, जबरदस्ती जिहड़ा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पर जिन्हां दी ये जिम्मेवारी बनती सी श्रोमणी कमेटी की, उत्थे श्रोमणी कमेटी बादल दल दे कब्जे विच है, जिसने बड़ा लंबा समा हिंद हुकूमत बीजेपी RSS दे नाल जराना रख के सिख कौम दीआं बहुत परंपरावां नूं ढा लई है। जिवें सरसे वाले नूं माफ़ी देनी, 90 लख रुपया श्रोमणी कमेटी वल्लों अखबारां दे विच इश्तिहार देने, बादल दी दल दी गौरमेंट वल्लों सिख नौजवानां दे कतल करने, गुरु साहब की बेअदबी जिहड़ी है वह बरगाड़ी दे विच होई है, ना बादल ने साफ दिता, ना कांग्रेस ने दिता, हुण जिहड़ी झाड़ू वालियां दी भगवंत मान सरकार है वह भी लारा ला रही है कि अज करांगे, कल करांगे, परसों करांगे। पर जदों केजरीवाल साहब पंजाब आए सी, बरगाड़ी गए, उन्होंने कहा 24 घंटे दे विच असी इंसाफ होना चाहिए असी देवांगे। पर कोई भी जिहड़ी मतलब कि राजनीतिक शक्ति पंजाब में सत्ता च आ जाती है, दिल्ली में आती है, वह सिख कौम दीआं प्रॉब्लम नूं हल नहीं करती। सो बहुत जरूरी है कि एक पंथ प्रस्त धिर जिहड़ी जिहदे कोल श्रोमणी कमेटी की सेवा होनी चाहिए है, वो तां ही होएगा जे हिंदुस्तान की हुकूमत श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां करवाएगी। हाँ जी, उहदे विच असीं सारे अकाली धड़िआं नूं, सारिया टकसालां नूं, सारिया संप्रदावां नूं, जिन्नियां भी पंथ दे हित विच सोचण वालियां जथेबंदियां, असीं उहनां नूं सद्दा पत्र भेजणे स्पैशल। और साडी अपील भी है दुनिया भर में वसदे सिखां नूं कि तुसीं 15 तरीक नूं अमृतसर विच वड्डी गिणती विच पहुँच के जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का इलैक्शन है वह आपां करवाउण लई हिंद हुकूमत नूं मजबूर करिए। डॉक्टर कुलजीत सिंह मेरा नाम है, धर्मकोट तो सर्कल प्रधान की जिम्मेवारी मैनू प्रधान सरदार बलराज सिंह जी खालसा, इमान सिंह जी मान उन्हां दी मौजूदगी दे चौधर मिली आ। सब तो पहला फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी जिहड़ी मीटिंग सिटी चॉइस होटल दे विच होई आ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होई आ, ये 15 सितंबर नूं जिहड़ा श्रोमणी कमेटी दीआं इलैक्शनां दा सरकार नूं एक अल्टीमेटम देना,
कहना भी श्रोमणी कमेटी दे इलैक्शन कराओ। उस दिन धर्मकोट तो कोटी से खां तो एक वड्डा जथा लैके असी जावांगे। धर्मकोट तो कोटी से खां तो लगभग 8 बजे बसां चलणगियां ते लगभग 10 बजे दे करीब अमृतसर पहुँचांगे असी। बाकी जिहड़ी इस वेले पंजाब दी सरकार, पंजाब दे विच सरकार चल रही आ आम आदमी पार्टी दी, उन्हां नूं असी बेनती भी करदे आ ते उन्हां नूं वादा भी याद कराउंदे आ कि उन्होंने 3 वादे किए थे भी एक तो नशा जड़ा वा वो 8 दिनों के ही खत्म करांगे ते जड़ा आज नशे का जड़ा प्रभाव आ वो वधिया ही आ घटिया नहीं गा। नशे के रेट जरूर वध गए आ, नशे के रेट वध गए आ ते नशा घटिया नहीं। दूजे नंबर पर रह गई रेता की गल, अज रेता जड़ा वो मोटरसाइकिल वाले रेहड़ियां ते विक रहा, अगे ट्राली मिल जाती है ट्राला मिल जाता, रेता का बहुत बुरा हाल है। लोग जिहड़े घर बनाउण तो बहुत दुखी होए पए आ। सरकार नूं असीं बेनती करदे आं भी इहदा रेता का जिहड़ा ये सैंड माफिया जिहड़ा मतलब ये माइनिंग का महकमा, इन्हां नूं छेती तो छेती इहदा रेता का कोई हल करो। लोग गरीब आदमी अज घर बनाउण तो भी बैठा। तीसरा वादा इन्हां कीता सी बेरोजगारी का, बेरोजगारी दे विच इन्हां ने की कर रहे आ, जिहड़े रिटायर बंदे आ, रिटायर पटवारी आ, रिटायर डाक्टर आ, उन्हां नूं नौकरियां दे रहे आ ते जिहड़े बंदे क्वालीफाइड आ, जिहड़े बच्चे आ जिन्हां ने इन्हां ने मगर झुंडे चुके भजे ही गए, इन्हां दी जिंदाबाद की सी, वो अज फिर बेरोजगार दे बेरोजगार तुरे फिरदे आ। कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं इन्हां ने कोई ऐलान किया, कुछ नहीं किया। इस करके असीं इन्हां नूं बेनती करदे आ भी जिहड़े नौजवान आ उन्हां नौकरियां दिओ, रिटायर बंदियां नूं तुसीं फिर दुबारा रखी जांदे, रिटायर बजुर्ग बंदे उह की ते करनगे। चौथा इन्हां वादा किया सीगा बेर गुरु साहब की बेअदबी का, उहदे विच भी अज तक कोई इन्हां दा मेन ठोस रिस्पोंस नहीं इन्हां ने दिता सानू। इस करके असीं इन्हां नूं अल्टीमेटम ही कदे दिंदे आ भी जां ते इह जिहड़े वादे तुसीं आप कीते सीगे इन्हां नूं पूरे करो ते जां फिर सानू एक सारे सारयां नूं इकट्ठे हो के कोई संघर्ष करन दा संघर्ष दा राह वढ़ना पऊगा। अज नौजवान जिहड़े सड़कां ते आ, मास्टर सड़कां ते आ, डाक्टर सड़कां ते आ, जिहड़े जिहड़े नौजवान जिन्हां ने इन्हां दे मगर मेहनत कीतियां उन्हां नूं अजे रुजगार देण दी बजाए पुराने बंदियां नूं रिटायर बंदियां नूं फिर दुबारा रख रख के ते उन्हां कोलों ही अगर काम चलाउण दा आ, उन्हां नूं थोड़े थोड़े पैसे दे के। इस करके अज पंजाब सरकार नूं भी असीं इस बारे आगाह करदे हां ते बेनती करदे हां भी अपने जिहड़े कीते वादे उन्हां नूं पूरे करो। सो इन्नियां गल्लां कहिंदा मैं खिमा दा जज हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।